कर्नाटक चुनाव की जीत पर आज बरवाला के अंदर आतिशबाजी की गई है और मेरे साथ जो आप चेहरा देख रहे हैं कांग्रेस के AICC के सदस्य ये है राजेश संदलाना जी, आज इनसे जानेंगे। दूसरी तरफ मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, थोड़ी देर पहले ये देखिए यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी। ये आतिशबाजी जो है क्या कांग्रेस की जीत पर हुई थी या इसके कोई और मायने थे, उसको लेकर के आज चर्चा करेंगे। राजेश जी सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार नरेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई आपके दर्शकों हुई जी कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर। अच्छा, आज जो ये आतिशबाजी हुई थी ये अकेली कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर हुई थी या फिर इसको लेकर के आगे के जो कदम बढ़ाएगी हरियाणा में भी इसी प्रकार की कोई स्थिति जो है वो कांग्रेस पैदा करने की कोशिश करेगी? देखो, कांग्रेस की तो जीत है, इसमें तो कोई शक और संकोच है नहीं जी, लेकिन ये आतिशबाजी तो कांग्रेस की जीत और इस देश और प्रदेश को बचाने की खुशी में हुई थी जी। आज जो कर्नाटक जीत हुई है वो अकेले कर्नाटक की जीत नहीं है, आने वाले 2024 में इस दोनों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से इस देश को बचाने की जीत भी है ये। अच्छा, कल एक मैं ये कहना चाहूँगा कि कल कुमारी शैलजा जी उकलाना में आई हुई थी और उन्होंने एक बिल्कुल सरल स्वभाव में एक शब्द कहा कि अब बहुत जल्द समय आज को देखने के लिए मिलेगा कि कांग्रेस मुक्त भारत जो नारा दिया था बीजेपी ने, अब वो उसके विपरीत होता हुआ दिखाई देगा, अब बहुत जल्द बीजेपी मुक्त भारत आपको दिखाई देगा। ये सच्चाई है, आने वाला समय होगा बीजेपी मुक्त भारत होगा 2024 में, और आपके सामने ये है। अभी कर्नाटक के बाद दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव है, जिसमें दो स्टेटों में तो कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की थी जब शुरू में सरकार आई। इन्होंने लूट और पैसे के दम पर कांग्रेस को तोड़ने का जो काम किया था जैसे कर्नाटक में किया था, वैसा परिणाम इन स्टेटों में आने को मिलेगा। राजस्थान में भी तोड़ने का काम किया था, अभी दो स्टेटों में कांग्रेस रिपीट करेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस परचम लहराएगी। तो फिर ये कह सकती कर्नाटक का ये पहला कदम जो है वो इस तरफ बढ़ गया है कि बीजेपी मुक्त भारत करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया। सबसे खुशी की बात तो ये है कर्नाटक की, कर्नाटक के जो प्रभारी थे उसका ताल्लुक हरियाणा से है, हरियाणा के कैथल नरवाना से है जहाँ उसका घर है, जो पूर्वज रहते हैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वो वहाँ के प्रभारी थे। और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, एक बहुत ही धनाढ्य प्रदेश है कर्नाटक जी, पीसफुल एरिया मान लो उसको, उसकी जिम्मेवारी रणदीप पर विश्वास जताते हुए उनको प्रभारी बनाया था और वहां से बिगुल बजाने का शुरुआत थी जी। और वो जिम्मेवारी जो रणदीप जी को दी गई थी गांधी परिवार ने, रणदीप जी ने उसको बखूबी निभाया और उससे बढ़कर काम करके दिखाने का जो काम किया है, जो विश्वास जताया हाई कमान का, तो वहाँ से हमने सबसे बड़ी खुशी की है कि हमारे प्रदेश का इतना बड़ा नेता और उसके नेतृत्व में कहीं बिगुल बजता है, कांग्रेस में शुरुआत होती है। यहाँ के 36 बिरादरी और चाहे महिलाओं की बात हो युवाओं की, सब में खुशी की लहर है। पर रणदीप जी सुरजेवाला जी के नेतृत्व में वहाँ से बिगुल बचा है। सबसे खुशी तो ये मानने की हरियाणा में भी कांग्रेस बन गई, इतनी खुशी हो रही है हमें, कर्नाटक नहीं हरियाणा में भी कांग्रेस आ गई। तो ये बिगुल जो रणदीप जी ने बजाया है, इस बिगुल का 24 में ही बीजेपी का अंत करने का काम करेगा। राहुल गांधी की पदयात्रा का कितना असर इस चुनाव के रिजल्ट पर देख रहे हैं? बिल्कुल निखर के आया है राहुल गांधी जी की, लोगों ने देखा भाई ये सच्चा नेता है, ईमानदार है और काबिले तारीफ है, जो कहता वो करता है, वो निखर के बात सामने आई। कर्नाटक ने उसका जवाब दिया है बीजेपी को। तो अब की अगर बात करें तो 2024 में हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है उनमें कांग्रेस कितना अपना प्रचंड जो है वो दिखा पाए? ये चल पड़ी कांग्रेस की लहर चल पड़ी और बीजेपी मुक्त भारत 2024 में लगे करते करते 2024 में बीजेपी मुक्त भारत हम करने का काम करें। अच्छा, लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई है, हालांकि इस चुनाव के रिजल्ट पर रुके हुए थे, कि अगर कांग्रेस यहां से जीतती है तो हरियाणा में
मुख्यमंत्री मनोहर को उनके पद से हटा करके कोई नया चेहरा लेकर के आएगी, आप इस बात से कितना सहमत हो, क्या हो सकता है? वो बीजेपी का काम है किसको लेके आए किसको हटाए। नहीं, आम जनता के बीच की भावना जो है बननी शुरू हो। नहीं, आम जनता की छत्तीस बिरादरी की भावना बन चुकी है। हरियाणा से भी बीजेपी मुक्त प्रदेश करने का काम करेंगे, चाहे अब खट्टर साहब को हटाए कुर्सी बिठाए, वो समय जा चुका है। इनको 8 साल हो गए इस प्रदेश में राज करते हुए बीजेपी ने। 8 साल में किसान दुखी, किसान को मारने का काम, छोटा दुकानदार व्यापारी दुखी, मजदूर दुखी, कर्मचारी दुखी, हर तबका इससे दुखी है। और सबसे बड़ा गोलमाल और भ्रष्टाचार हर जगह, चाहे ईंट पाड़ेंगे तो उसमें भी भ्रष्टाचार नजर आएगा। सबसे भ्रष्ट सरकार है और 2024 के प्रदेश के चुनाव में यहाँ से चलता बनेगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो राजेश संदलाना जी हमारे साथ मौजूद थे और कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट पर आज इन्होंने अपने प्रतिष्ठान पर एक जो खुशी जाहिर की है, लड्डू बांट करके जिस प्रकार से वो खुशी जाहिर की है, इसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से जो कहा है उनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट के माध्यम से सभी शब्दों का इस्तेमाल करके जरूर बताइएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार। आजा नरेश।